नेक्स्ट रेसिपी जो मैंने यहाँ पर बनाई है वो है मसाला सेवियाँ। अब इसमें ऐसे क्या खास बात, देखो इसमें मैंने सब्जियां जो ली हैं, भर के सब्जियां ली हैं काफी, तो मैंने तो बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, मटर और खटास के लिए 2 टमाटर लिए हैं, वो भी देसी वाले। देखो हम सब चीजों को एकदम फाइनली चॉप कर लेना, सारी चीजों को, और टमाटर को बिल्कुल मत भूलना, वो स्क्रीन में फिट नहीं आ रहे थे तो मैंने इनको ऐसे अलग से ही दिखा दिया है। इसकी बेस्ट बात यह है कि यही प्रेपरेशन थी, अब सीधे कुकिंग पे चलते हैं इतनी जल्दी। जी हाँ, कुकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, ज्यादा तेल नहीं, 2 चम्मच तेल है उसमें। सबसे पहले अगेन मैं मूंगफलियों को रोस्ट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मूंगफलियाँ डालने के कुछ कारण है। पहला कारण तो यह है कि ऑब्वियसली वो ये एक्स्ट्रा टेक्सचर तो देगा ही, टेस्ट भी देगा, लेकिन ये मसाला सेविया को थोड़े से गुड फैट्स देगा, हेल्दी बनाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप इन नाश्ते में से कुछ भी खाओ तो ऐसा ना हो कि 1-2 घंटे बाद आपका पेट पूरा खाली हो जाए और आपको फिर से भूख लगने लग जाए। और रोस्ट करने के बाद आप इसको निकाल के रख लेना। अच्छा, फटाफट से अब सेवियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो मैं तो यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स डालता हूँ, जीरा डालता हूँ और कड़ी पत्ता, और आपको तो पता ही है कि इसे फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनको रोस्ट करना बहुत जरूरी है, थोड़े से पॉप होने चाहिए तभी फ्लेवर निकल कर आएगा। बस फिर क्या, आप यहाँ पर कटा हुआ प्याज डाल देना। ये सारे नाश्तों में बेस्ट बात तो ये है कि प्याज को ब्राउन करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, और वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप थोड़ी देर रोस्ट करोगे, बहुत आराम से हो जाएगा, और जब आपका रोस्टिंग का काम हो जाए, प्याज हल्के नरम हो जाए, कलर इनका ट्रांसलूसेंट हो जाए, फिर क्या, फिर आपने यहाँ पर सारी सब्जियां डाल देनी है। भर कर सब्जी डालना, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, सुबह सुबह आप बना रहे हो, जितनी सब्जी आप डाल सकते हो उतनी सब्जी आप डालना। और हाँ, अभी हम रोस्टिंग करनी है हमें सब्जियों को, तो इस टाइम पे आप यहाँ पर हल्दी जरूर डाल देना ताकि थोड़ी सी भुनाई हो। और आप नोटिस करोगे कि मैं सारे नाश्तों में हल्दी जरूर डालूंगा, क्योंकि भैया कोरोना टाइम है। फ्लेवरिंग के लिए या यहाँ पर स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। थोड़ी देर तक भुनेंगे, ज्यादा देर तक नहीं भुनना, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि सब्जियां खड़ी खड़ी रहे, ऐसे नहीं है कि एकदम नरम हो जाए, गल जाए जब बाद में हम पानी डालेंगे, वो नहीं चाहते। फिर अब यहाँ पर टमाटर डाल देना, और आपको तो पता ही है कि टमाटर जैसे आएंगे वैसे ही नमक आएगा। और हाँ, यहाँ पर 15 मिनट में हमें कुकिंग करनी है, तो फास्ट कुकिंग करेंगे। वो कैसे, वो ऐसे, आप इसको ढक देना, 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना, टमाटर भी गलने लग जाते हैं, सब्जियों की भुनाई भी हो जाएगी, प्याज भी पक जाएगा, और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आप जब तक छोटे मोटे काम कर सकते हो किचन में आराम से। सब्जियों का मसाला बनकर पूरा तैयार है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपने यहाँ पर सेवियां डालनी है, सेवियों को आपने सब्जियों के साथ अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से, ताकि सारा फ्लेवर सेवियों के अंदर भी आ जाए। फिर जितनी आपने सेवियां ली हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 कप सेवियां ली है, तो 1 कप सेवियों के साथ साथ आप यहाँ पर पानी डाल देना डबल, तो 1 कप के साथ 2 कप पानी आपने डालना है। अब ध्यान रहे ये रोस्टेड सेवियां हैं, तो यहाँ पर इनको मेरे को रोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है, आपको उनको पहले रोस्ट करना पड़ेगा। सेवियों में फ्लेवर डालने का यही टाइम है, तो यहाँ पर नमक जरूर आना चाहिए, स्पेशली सेवियों के लिए। जैसे ही आपका उबाल आना शुरू होगा, वैसे ही आप इसको यहाँ पर ढक देना, और ढक कर इसको पकने के लिए छोड़ देना अभी मीडियम फ्लेम। थोड़ी देर में, मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट में ही ऐसा होता है कि इससे पानी काफी रिड्यूस हो जाता है। आप देख सकते हो कि सेवियां जो है अभी हल्की हल्की गीली लग रही होंगी। ये बात आप याद रखना कि ये सेवियां सूजी से बनी होती है, सूजी बेसिकली एक स्टार्च है, तो जब आप स्टार्च को थोड़ी देर छोड़ोगे ना, तो वो अपने आप ही अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो काफी गीला है, अभी बात नहीं बन रही है, बस आप यहाँ पर अब मूंगफलियां डाल देना, इसको अच्छे से मिला देना। अच्छा, अब क्या करना है कि गैस को बंद करना है, बिल्कुल गैस बंद होनी चाहिए। आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और इसको 5 मिनट के लिए एकदम गैस बंद करके इसकी स्टीम में ही पकने देना। बेसिकली क्या होगा, अपने आप ही सूजी सेट होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही सूजी जैसे ही सेट होगी वैसे ही अलग अलग होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो आ गया ना फर्क, मसाला सेवियां बनकर भी पूरा तैयार है। मुझे नहीं लगता कि इसमें वैसे ज्यादा मसाले डालने की आपको कोई जरूरत भी है, ऐसे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहो तो अपने हिसाब से और चीजें डाल सकते हो, क्योंकि भाई आपने ही है खाना, ये सेविया मसाला। अरे ये राइम बिल्कुल भी नहीं किया, चलो कोई नहीं, आगे।